हेलो एवरीवन वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्लास टू के लिए ईवीएस की वर्कशीट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है टिक द राइट ऑप्शन यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन रीड करना है और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है फर्स्ट है वी प्ले आउटडोर गेम्स इन अ हम आउटडोर गेम्स कहाँ खेलते हैं क्लासरूम में होम या प्लेग्राउंड तो इसका सही आंसर होगा प्ले ग्राउंड में बाय टचिंग नेकेड इलेक्ट्रिक वायर्स वी गेट अ डैश इलेक्ट्रिक वायर्स को छूने से क्या होगा बर्न शॉक एनर्जी तो करेक्ट ऑप्शन होगा शॉक वी मस्ट नॉट ईट डैश फूड हमें किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए अनकवर्ड कवर्ड बोथ अनकवर्ड मतलब जिसे ढका नहीं जाता है कवर्ड मतलब जिसे ढका जाता है और बोथ यानी कि ये दोनों तो इसका सही ऑप्शन होगा जिसे ढका नहीं जाता यानी अनकवर्ड खाना हमें नहीं खाना चाहिए नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड डैश टू कीप देम अलाइव। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होगी वॉटर फोर्स रूल तो इन तीनों ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो वाटर इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वाटर की हमें जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए नेक्स्ट है द चिल्ड्रन ऑफ अवर अंकल एंड आंट आर कॉल्ड अंकल और आंटी के बच्चे क्या कहलाएंगे सिबलिंग्स फ्रेंड्स या कजन्स सिबलिंग्स मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता एक ही हैं, यानी जो सगे भाई बहन होंगे वो कहलाएंगे सिबलिंग्स फ्रेंड्स यानी कि दोस्त कजन्स यानी कि अंकल और आंटी के बच्चे तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट है आईज ईयर नोज टंग एंड स्किन आर आवर डैश ऑर्गन्स आईज ईयर नोज टंग और स्किन हमारे कौन से ऑर्गन्स कहलाएंगे टच फिंगर्स सेंस तो करेक्ट आंसर होगा इसका सेंस ये फाइव सेंस ऑर्गन्स होंगे नेक्स्ट है द सिस्टर ऑफ अवर मदर इज नोन एज हमारे मदर की सिस्टर हमारी क्या कहलाएगी आंट अंकल ग्रैंड मदर तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंट नेक्स्ट है मिंट एंड डैश आर द हर्ब्स मिंट के साथ और एक और कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा जो कि हर्ब्स की कैटेगरी में आता है मैंगो नीम कोरिएंडर तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोरिएंडर क्योंकि हर्ब्स जो है ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत जिनकी स्टेम्स जो है बहुत सॉफ्ट होती है नेक्स्ट है जिराफ इज अ डैश एनिमल जिराफ कैसा एनिमल है पेट एनिमल डोमेस्टिक एनिमल या वाइल्ड एनिमल तो सही ऑप्शन है वाइल्ड एनिमल नेक्स्ट है नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉन वेजिटेरियन फूड इनमें से कौन सा होगा राइस फिश एप्पल तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें फिश नेक्स्ट है रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेनकोट हमें किससे प्रोटेक्ट करता है रेन सन या हीट तो इसका सही ऑप्शन है रेन क्योंकि हम जब बारिश होती है तब हम रेनकोट पहनते हैं और वो हमें बारिश में भीगने से बचाता है नेक्स्ट है वी नीड एयर टू डैश हमें एयर की जरूरत क्या होती है ड्रिंक ब्रीथ ईट करेक्ट ऑप्शन है ब्रीथ ब्रीथिंग के लिए हमें एयर की जरूरत होती है नेक्स्ट है वी लाइक टू ईट डैश ऑन हॉट डेज हमें हॉट डेज में क्या खाना पसंद है आइसक्रीम पिज्जा या केक सही ऑप्शन है आइसक्रीम क्योंकि हॉट डेज में ठंडी ठंडी आइसक्रीम हमें खाना अच्छा लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू मैच द फॉलोइंग इसमें फर्स्ट दिया हुआ है वुलन क्लोथ्स वुलन क्लोथ्स के लिए सही आंसर होगा कीप अस क्योंकि वुलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं तो यहाँ पर हम वन लिखेंगे नेक्स्ट दिया है गुरुपूरब गुरुपूरब सिखों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है और इस दिन वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं जहां पर की लंगर होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा लंगर नेक्स्ट है ट्विंकल इन द स्काय स्काय में क्या ट्विंकल करते हैं स्टार्स तो सही आंसर होगा इसका स्टार्स नेक्स्ट है दशहरा दशहरे का सही आंसर होगा विजयदशमी क्योंकि दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है तो यहाँ पर हम फोर नंबर लिखेंगे नेक्स्ट है मदर यूजेस वॉटर फॉर मदर किस चीज के लिए वाटर का यूज करती है तो आंसर होगा कुकिंग यहाँ पर लिखना है नंबर फाइव नेक्स्ट है काउ काउ एक डोमेस्टिक एनिमल है तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोमेस्टिक एनिमल नेक्स्ट है लाइब्रेरी लाइब्रेरी में हम स्टडी करते हैं इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा लाइब्रेरी नेक्स्ट है ग्रीन लाइट टेल्स ट्रैफिक लाइट में जो ग्रीन लाइट है वो हमें क्या बताती है टू गो यानी जब ग्रीन लाइट होती है तो हम जा सकते हैं नेक्स्ट है एयर हैज एयर में क्या होता है एयर में वेट होता है तो यहां पर आएगा नाइन नेक्स्ट है प्लांट्स नीड वाटर टू प्लांट्स को वाटर की जरूरत क्यों होती है ग्रो करने के लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों को करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर फिल करना है फर्स्ट है वी लाइक टू ड्रिंक डैश ऑन हॉट डेज हॉट डेज में हमें क्या ड्रिंक करना अच्छा लगता है तो सही आंसर है कोल्ड ड्रिंक तो यहाँ पर बच्चों को लिखना है कोल्ड ड्रिंक वी लाइक टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक ऑन हॉट डेज नेक्स्ट है गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन डैश गांधी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है टू अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है तो यहां पर टू अक्टूबर आएगा नेक्स्ट है डैश कम्स आफ्टर रमदान रमदान के बाद कौन सा फेस्टिवल आता है ईद तो यहां पर आंसर आएगा ईद नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द डैश इसका आंसर होगा ईस्ट द सन राइजेज इन द ईस्ट नेक्स्ट है वी ड्रिंक वाटर वेन वी फील डैश हम पानी कब पीते हैं जब हम थर्स्टी होते हैं यानी जब हमें प्यास लगती है तो यहां पर आंसर आएगा थर्स्टी नेक्स्ट है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द डैश हमें हमेशा कहाँ से रोड क्रॉस करनी चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग से नेक्स्ट है क्रीपर्स हैव डैश स्टेम्स क्रीपर की स्टेम्स कैसी होती है वीक होती है तो यहाँ पर आएगा सिक्स यहाँ पर आएगा सेवन नेक्स्ट है अवर टीथ हेल्प इन डैश अवर फूड वेल टीथ हमें किस में हेल्प करते हैं फूड को च्यू करने में यानी चबाने में तो इसका सही आंसर होगा च्यू नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर गिव एग्जांपल्स यहाँ पर बच्चों को टू टू देने हैं इन क्वेश्चंस के टू थॉर्नी प्लांट्स थॉर्नी प्लांट्स का मतलब होगा जिनमें कांटे होते हैं तो एक तो हो जाएगा कैक्टस और एक हो जाएगा रोज नेक्स्ट टू सीजन्स कोई भी टू सीजन लिखने हैं रेनी सीजन समर सीजन विंटर सीजन कोई भी टू नेम्स बच्चे यहां पर लिख सकते हैं टू वाइल्ड एनिमल्स लायन जिराफ डियर भी लिख सकते हैं जेबरा भी लिख सकते हैं जो भी टू वाइल्ड एनिमल्स के नेम बच्चों को याद आए वो कोई भी आंसर लिख सकते हैं नेक्स्ट है टू लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स कौन कौन से हो जाएंगे एक तो ह्यूमन बींग होते हैं यानी मैन हम यहाँ पर लिख सकते हैं और एक हो जाएंगे प्लांट्स एनिमल्स भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है टू नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर टू नॉन लिविंग थिंग्स के नेम लिखना है मैं यहां पर लिख रही हूं डेस्क और एक लिख रही हूं पेन आप कोई भी टू नॉन लिविंग थिंग्स के नेम बच्चों से लिखवा सकते हैं नेक्स्ट है टू प्लेसेज इन स्कूल कोई भी टू प्लेसेस लिखने स्कूल में जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूं लाइब्रेरी और कैंटीन बच्चे क्लासरूम लिख सकते हैं कंप्यूटर रूम लिख सकते हैं टू यूजेस ऑफ वाटर कोई भी टू यूजेस लिखना है मैं यहाँ पर लिख रही हूं कुकिंग एंड ड्रिंकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड एज मैनी रिलेशन एज यू कुड फाइंड फ्रॉम द वर्ड ग्रीड यहाँ पर बच्चों को जो भी रिलेशन होंगे उनके उन्हें सर्च करना है जैसे कि मदर फादर अंकल आंट सिस्टर ब्रदर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर यानी जो भी स्पेलिंग्स बच्चों को यहाँ पर मिल जाएगी उन्हें सर्च करना है और फिर यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पे बन रहा है एम ओ टी एच ई आर मदर तो ये यहाँ पर बच्चों को लिखना है एम ओ टी एच ई आर मदर फिर यहाँ पर एफ ए टी एच ई आर फादर है तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए टी एच ई आर फादर नेक्स्ट है ए यू एन टी आंट ए यू एन टी आंट यू एन सी एल ई अंकल एस आई एस टीईआर सिस्टर और यहां पर लिखा है बी आर ओ टी एचईआर ब्रदर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट फ्रूट नेम विच हैव फर्स्ट है नो सीड नो सीड यानी एक भी सीड ना हो ऐसा फ्रूट है बनाना नेक्स्ट है वन सीड वन सीड के लिए आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जिसमें की सिर्फ वन सीड होती है मैं लिखूंगी मैंगो नेक्स्ट है मैनी सीड जिसमें बहुत सारी सीड्स होती है गुआवा है वाटर मेलन है पपाया है कोई भी आप लिख सकते हैं मैं लिख रही हूं पपाया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन ड्रॉ एंड कलर एनी टू थिंग्स दैट हैज एयर इनसाइड इट आपको कोई भी ऐसी टू थिंग्स ड्रॉ करनी है जिसके अंदर की एयर होती है जैसे बलून है फुटबॉल है तो ये बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं और उन्हें कलर कर सकते हैं ये था आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें थैंक यू फॉर वॉचिंग